हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस एमए इंटरनेशनल रिलेशन। इन सब कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एचयूक्यूपी 18 का एग्जाम देना पड़ेगा, एचयूक्यूपी 18। सो एचयूक्यूपी 18 में पॉलिटिकल थ्योरी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, अगर लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को देखते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी को देखते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि लास्ट 3 ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहा है। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें वो सारे क्वेश्चन जो पॉलिटिकल थ्योरी से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि एक तो पहले वेटेज का आइडिया लग जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दूसरा डिफिकल्टी लेवल, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज के बारे में पता लग जाएगा। सो एक स्ट्रक्चर हो जाता है जहां पे आप देखिएगा कि एक ही मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाता है और इसी में से आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया था नेशन के बारे में, सम नेशन स्टेट लैक्स स्टेट, सम स्टेट लैक नेशनल आइडेंटिटी, सम नेशन ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट एंड सम स्टेट कंटेन मोर देन वन नेशन। तो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग अगर हम स्टेट की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एक अब नीचे आके देखिएगा तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कॉन्सेप्ट को लेके जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, डेमोक्रेसी एज ए टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सिंपल एमसीक्यू टाइप में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पार्टिकुलर टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया गया, रॉ डॉकिंस आइडिया जो राइट्स को लेके, राइट्स एज ट्रम्प, तो ये भी अगेन एक कॉन्सेप्ट को लेकर, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट नॉजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी, या फिर जस्टिस एज फेयरनेस बाय जॉन रॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट एज ट्रम्प का कौन कौन सा कोर आइडियाज है, कोर प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। देन अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है आपका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, तो इसमें भी सेम आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ता है दोनों स्टेटमेंट में, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो जर्मी बैंथम फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन, फिर इसी पे ह्यूमन राइट्स आई बिलीव टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, वन करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। उसी में फिर कोर प्रिंसिपल्स आपको दे दिया गया। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे सिंपली ये पूछ लिया गया कि किसने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। नाउ दे कैन, व्हाट दे कैन आल्सो डू इज दैट दे कैन टॉक अबाउट इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, दे कैन गिव यू क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड देन दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अनदर वे ऑफ ऑल्सो आस्किंग सच क्वेश्चंस इज दैट what they can do is that like you have entitlement theory of justice, there are multiple theory like capability approach, then we have justice as fairness, rights as term, so yahan pe aap kuch match ke roop mein bhi, match the following ke roop mein bhi question pooch sakte hain। For example ek left hand side aapke important philosophers ya theories de diya gaya aur right hand side mein unke dwara diye gaye theories, to is pe question pooch liya jata hai। So 2022 की बात करते हैं तो टोटल आपसे जो है सीयूईटी में सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यहाँ पे अगेन एक चीज देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म एंड थ्योरीज, जो अभी हम लोगों ने कैपेबिलिटी अप्रोच, एंटाइटलमेंट थ्योरी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, सो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पे दे दिया गया है एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग। सो किसी भी टॉपिक को आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म एक टॉपिक हो जाता है, जस्टिस,
टॉपिक हो जाता है, राइट्स एज एक टॉपिक हो जाता है। सो जैसे राइट्स में भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टेट उठाते हैं तो सोवरेनिटी उठाते हैं तो इसमें किस टाइप के डेफिनेशंस हैं, कोर आइडियाज क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ग्रुप में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल थॉमस होब्स डिफाइन सोवरेनिटी एज, सो यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहीं पे आप देखिएगा जो पॉलिटिकल थ्योरी में लीगल इक्वालिटी दे दिया गया, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई लीगल इक्वालिटी क्या होता है, जैसे पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप जेएनयू का पास्ट पेपर देखिएगा तो उन लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पूछ लिया था, सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेम यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सो वॉट आर द डिफरेंट आइडियाज ट्रू अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ इन लोगों ने पांच डिफरेंट स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब ये सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक भी आपने अगर सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो हो सकता है कि आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यूजुअली हो जाता है कि आप एक इनकरेक्ट एक करेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आप जो है चूज कर सकते हैं या किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगेन दे आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ ग्लोबल जस्टिस, सो ग्लोबल जस्टिस से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो जैसे यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे दिया गया, तो इसी तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट अब यहाँ दे दिया गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अब देखिए एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, इफ यू टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस हैज बीन मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कीप्स कमिंग, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अगेन मल्टीपल क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेट सॉवरेनिटी, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब बात तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट 2023, सो ए टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, सो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल थ्योरी से। अब नेक्स्ट आते हैं आपका 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि टीएच मार्शल डिफाइंस डिवाइड सिटीजनशिप इनटू 3 पार्ट्स, कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है, कभी कभी कौन कौन सा नहीं है ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, कार्ल मार्क्स, या स्टेट इज समथिंग दैट हैज अ लेजिटिमेट पावर टू यूज कोर्सिव मेजर्स और लेजिटिमेट टू यूज वायलेंस, मैक्स वेबर, तो इस टाइप के स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपको पास्ट पेपर देखना चाहिए। अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट ग्लोबल जस्टिस, ये हम लोगों ने 2023 में भी देखा, 2024 में भी ग्लोबल जस्टिस, और ऐसा नहीं है ग्लोबल जस्टिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक साल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सो दीज आर सम द कोर आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप जैसे किसी भी टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल नेगेटिव लिबर्टी, तो नेगेटिव लिबर्टी का क्या क्या कोर प्रिंसिपल है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। पॉजिटिव लिबर्टी के कौन कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के कौन कौन प्रोपोनेंट्स हैं, थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं, तो उस तरीके से आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब 2024 में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। सो अगर ओवरऑल देखते हैं तो एक साल जो है 6 क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 8 पूछा गया है, कभी 4 पूछा गया है। अब देखिए 2024 में हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 4 डाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड थे, सो हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डाल दिया, जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट था उसको तो इधर डाल दिया, लेकिन
अब मोस्टली क्वेश्चन ऐसा था जो आप कनेक्ट कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से, तो इसलिए तो जब भी आप ये टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हैं तो कोशिश ये कर सकते हैं कि दोनों सेक्शन को देख लीजिएगा, WPT प्लस पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि दोनों का आपका रिजेंबलेंस है। जॉन रॉल्स को पढ़ रहे हैं अगर, तो आप जॉन रॉल्स को किधर रखिएगा, WPT में या पॉलिटिकल थ्योरी में? अगर आप एरिस्टोटल का पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं, प्लेटोस थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, तो आप किधर उसको रखिएगा, तो वो एक समस्या हो जाती है। इसलिए जब भी आपको देखना है तो WPT और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों को एक साथ देखिएगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट जल्दी होगा। प्लस जो गैप हो जाता है, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया, WPT पेंडिंग है। अब WPT पेंडिंग है तो पॉलिटिकल थ्योरी कैसे कंप्लीट हो गया, या WPT कंप्लीट हो गया पॉलिटिकल थ्योरी पेंडिंग है? तो वो दोनों आपका कंप्लीट एक साथ होगा, दोनों को आप जो है कवरअप एक साथ कीजिएगा। सो एग्जाम टेजी की तरफ से क्लासेस, इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ऐसे ही एग्जाम टेजी की तरफ से कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है। प्रीवियस पेपर्स होते हैं UGC, सो वी प्रोवाइड हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन सो दैट आप हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सके। इंपॉर्टेंट बुक के जो चैप्टर्स होते हैं, उन सारे चैप्टर्स पे हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, सो दैट 2025 के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी ना छूटे। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849, और फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए। क्लासेस के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल कैसे दिया जाता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, फिर कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। ये सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजुअली एग्जाम के लिए कंप्लीट करते हैं, हमारा मानना है कि एग्जाम ट्रेजरी भी अपने इनसे कंप्लीट करता है, इसीलिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।